हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ट्रीट। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था और टेंस के सारे सब कैटेगरी को अच्छी तरह से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आप टेंस को अच्छी तरह से समझ पाएँ। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने आपको बताया था कि टेंस के तीन कैटेगरी होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इनके सब कैटेगरी चार होते हैं जो कि है इनडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस की चारों सब कैटेगरी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सब कैटेगरी है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल हम जब किसी के नेचर या किसी की हैबिट्स या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ को बताना हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम इसके आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। तो हिंदी सेंटेंसेस में मेन वर्ब के बाद ता है, ते है, ती है आता हो तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू एंड डज। इनके यूज़ ओनली नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें नहीं नहीं होते हैं। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट सिंगुलर हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस जुड़ जाता है और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है सूरज पूरब में उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, वह मेरी मदद करती है, शी हेल्प्स मी, मैं काम करता हूँ, आई वर्क, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं वाले सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी ही शी इट सिंगुलर हो तो डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और आई यू वी दे हो तो डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, वह नहीं जानती है, शी डज नॉट नो, रमेश स्कूल नहीं जाता है, रमेश डज नॉट गो टू स्कूल, वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, दे डू नॉट हेल्प मी, वह अंग्रेजी नहीं जानता है, ही डज नॉट नो इंग्लिश। चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम डू और डज को रखते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डू नॉट या डज नॉट रखते हैं हम, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल अ लाई, क्या वह तुम्हें जानता है, डज ही नो यू, क्या वह नहीं गाती है, डज शी नॉट सिंग, क्या वे लोग नहीं जानते हैं, डू दे नॉट नो, और डोंट दे नो, इस तरह से भी हम बोलते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस हो, अगर इंट्रोगेटिव में वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन का इस्तेमाल हो रहा हो तो इसके लिए इसका स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच, यानी कि जो भी हमारा शब्द हो जैसे कि व्हाट, हाउ, जो भी हो उसे हम पहले रखेंगे, फिर डू और डज लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप मेरे बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप कब ऑफिस जाते हो, When do you go to office? वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करती है, Why doesn't she help you? तुम क्या करते हो, What do you do? तो चलिए अब हम present continuous tense को समझते हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें कैसे sentences आते हैं। तो इसके पहचान के लिए जब किसी sentences यानी वाक्य के main verb के साथ
रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो इत्यादि आते हो, तो ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माने जाते हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं, वह घूम रहे हैं, राजू टीवी देख रहा है इत्यादि। तो चलिए हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस में आई के साथ एम का यूज़ होता है, ही शी इट या नेम के साथ इज लगता है, यू वी दे प्लूरल के साथ आर लगता है। चलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। मैं घर जा रही हूँ, आई एम गोइंग होम। वह भोजन पका रही है, शी इज़ कुकिंग फूड। वह गाना गा रही है, शी इज़ सिंगिंग सॉन्ग। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। वे लोग मैच खेलने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू प्ले मैच। चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी वही सेम होता है जैसे कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, बस हमें नॉट लगा देना है, फिर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग। लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं, बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वह सो नहीं रही है, शी इज नॉट स्लीपिंग। रमेश खेल नहीं रहा है, रमेश इज नॉट प्लेइंग। चलिए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले इज एम आर लगाते हैं हम, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जांपल हैं, तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, एम आई टेलिंग अ लाई। क्या लड़के मैच खेलने नहीं जा रहे हैं, आर द बॉयज नॉट गोइंग टू प्ले द मैच। क्या हम लोग घर जा रहे हैं, आर वी गोइंग होम। क्या सोनम टीवी देख रही है, इज सोनम वॉचिंग टीवी। क्या वह कल आ रहा है, इज ही कमिंग टुमारो। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डब्ल्यू एच यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर इसको रखेंगे, फिर एम, इज, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ यानी वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं हम कुछ इसके सेंटेंसेस। तो पहला है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम्हारे दोस्त कब आ रहे हैं, व्हेन आर योर फ्रेंड्स कमिंग। यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। वे लोग क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू नो। तो चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो जब किसी सेंटेंसेस यानी वर्ब के मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, या की हो, या की है इत्यादि आता हो, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माने जाते हैं। तो जैसे कि मैंने खाना खा लिया, मैंने मुसीबत ले ली, ये काम हो चुका है, वे सो गए हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे कैसे होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैज़ या हैव लगाते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कहाँ पर हैज़ का प्रयोग होता है और कहाँ पर हैव का। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो, उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, नेम सिंगुलर आते हैं और आई, यू, वी, दे, ये सारे का यूज़ होता है हैव के साथ। तो चलिए अब हम सेंटेंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हमने फिल्म देखी है, वी हैव सीन द फिल्म। मैंने खेल लिया है, आई हैव प्लेड। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। हम लोग काम पूरा कर चुके हैं, वी हैव कम्प्लीटेड द वर्क। वह दिल्ली गई है, शी हैज़ गॉन टू दिल्ली। वे लोग आ चुके हैं, दे हैव कम।
तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ इसको कैसे बनाते हैं हम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम फर्स्ट सेंटेंस अपना देखते हैं। मैंने नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन। उसने मेरी मदद नहीं की है, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। तुमने नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन। मधु ने किताब नहीं पढ़ा है, मधु हैज़ नॉट रीड द बुक। वे लोग ऑफिस नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू ऑफिस। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनका प्रयोग कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हैव या हैज़ लगाते हैं, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। सेकेंड स्ट्रक्चर इसका है हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। क्या आपने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन द ताजमहल। क्या किसी ने तुम्हें खबर नहीं दी है, हैज नो वन इनफॉर्म्ड यू। क्या तुम वहाँ जा चुके हो, हैव यू गॉन देयर। क्या पिताजी ने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, हैज फादर नॉट फॉरगिव यू और हैज नॉट फादर फॉरगिव यू। इस तरह से भी हम बनाते हैं। क्या आपने परीक्षा की तैयारी नहीं की है, हैव यू नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। अब चलिए आगे देखते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट व्हेन हाउ व्हाई वेयर इत्यादि का प्रयोग होता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले व्हाट डब्ल्यू एच को लिखेंगे हम, फिर हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसका सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, तुमने क्या किया, व्हाट हैव यू डन। उन लोगों ने परीक्षा की तैयारी कैसे की है, हाउ हैव दे प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। तुमने क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन। उन लोगों ने तुम्हें क्यों चेतावनी नहीं दी है, व्हाई हैव दे नॉट वार्न्ड यू। गरीब लड़की को तुमने क्यों धमकाया है, व्हाई हैव यू थ्रेटन पुअर गर्ल। तो चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान से शुरू करते हैं किस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि वे मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं जब आते हैं तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से मेन वर्ब के साथ रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, रही हूँ का प्रयोग होता है, लेकिन साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग होता है। इसमें टाइम एक्सप्रेशन से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, जैसे दो घंटों से, सुबह से, 2013 से, चार दिनों से। तो से के लिए सिंस या फिर फॉर का यूज़ किया जाता है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर फॉर का। तो सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी पर्टिकुलर टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए करते हैं। फॉर का यूज़ हम करते हैं जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना हो यानी समय की अवधि। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सिंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जब हमें पर्टिकुलर टाइम बताना हो, जैसे कि 2 AM, 3 PM या 3 o'clock, इस तरह से जब हम इस्तेमाल करते हैं यानी कि 2 बजे से, 3 बजे से। तो अब हम सेकेंड देखते हैं सिंस का कहाँ यूज़ करते हैं। सिंस का हम 1980 से, 1930 से, 2019 से यानी कि ईयर्स जब बताते हैं ये भी सिंस में आता है। सिंस का यूज़ मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनसडे से, इस तरह से हम करते हैं। सिंस का यूज़ हम मॉर्निंग से, इवनिंग से, नाइट से, यस्टरडे से, है ना, कल से, इस तरह से जब यूज़ करते हैं तो हम सिंस का यूज़ करते हैं।
तो फॉर का यूज़ कैसे करते हैं अब हम ये देखते हैं। तो हमने अभी बताया कि फॉर का यूज़ हम टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो फॉर का इस्तेमाल हम जैसे हम जब यूज़ करते हैं 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। या 2 डेज, 3 ईयर्स, 3 मंथ्स, मैनी डेज, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स में करते हैं। और जब हमें ये कहना हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, तो इस तरह से भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने सिंस और फॉर का प्रयोग देखा। अब चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये देखते हैं। तो उसके लिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो जैसे कि हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ा हुआ है कि हैज़ का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं और आई यू वी दे प्लुरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पर भी हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से इंतज़ार कर रही है। शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग 9 बजे से इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस सिंस 9 o'clock। 2 दिनों से वर्षा हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। वह 5 सालों से अंग्रेज़ी सीख रहा है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। अब हम नेगेटिव यानी नहीं वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। तो चलिए हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2015 से इस शहर में नहीं रह रहा है। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2015। वे लोग 2 दिनों से कुछ नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 2 डेज। तुम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। हम लोग बहुत दिनों से मेहनत नहीं कर रहे हैं। We have not been working hard for years. चलिए हम interrogative sentences यानी क्या वाले sentences को देखते हैं। इसमें has, have first में रखा जाता है, फिर subject plus been, verb का fourth यानी verb plus ing plus object, फिर हम since या for का इस्तेमाल करते हैं और question mark। इसका दूसरा structure है have या has plus subject plus not plus been plus verb का ing plus verb plus ing plus since या for question mark। चलिए sentences को देखते हैं। तो first हमारा sentence है, क्या बच्चा सुबह से चिल्ला रहा है? Has the child been crying since morning? क्या आप कुछ नहीं कर रहे हो? Have you not been doing anything? क्या तुम 2 सालों से अंग्रेज़ी सीख रहे हो? Have you been learning English for 2 years? क्या तुम 2 सालों से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहे हो? Have you not been learning English for 2 years? अब चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में व्हाट, वाई, वेयर, हाउ का प्रयोग कैसे होता है इसको समझते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले WH को रखते हैं, फिर has या have प्लस सब्जेक्ट प्लस been प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस ing प्लस सिंस या फॉर और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जांपल हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम कल से क्या कर रहे हो? What have you been doing since tomorrow? वह सुबह से क्यों दौड़ रहा है? Why has he been running since morning? तुम 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? Why have you not been going to school for 2 days? वह 3 घंटों से क्यों रो रहा है? Why has he been crying for 3 hours? रमेश 2 घंटों से कैसे लिख रहा है? How has Ramesh been writing for 2 hours? तो इस तरह से हमने ये प्रेजेंट टेंस के चारों कैटेगरी को समझ लिया है।
आई होप कि ये आपको अब प्रॉब्लम नहीं देगा। प्रेजेंट टेंस में आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। तीन घंटों से क्यों रो रहा है? Why और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने ये प्रेजेंट टेंस के चारों कैटेगरी को समझ लिया है। तो इसके एग्जांपल हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम कल से क्या कर रहे हो? What have you been doing since tomorrow? वह सुबह से क्यों दौड़ रहा है? Why has he been running since morning? तुम और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जांपल हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है या फॉर तुम कल से क्या कर रहे हो? चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या बच्चा सुबह से चिल्ला रहा है? हैज ही बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। दो दिन क्या आप कुछ नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन डूइंग एनीथिंग? गोइंग टू स्कूल फॉर क्या तुम दो सालों से अंग्रेजी सीख रहे हो? क्यों रो रहा है? व्हाई हैज ही बीन क्राइंग फॉर टू आवर्स? तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले WH को रखते हैं, फिर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन।